12 महीना मुझे कम से कम मुझे दो, तब मेरे बारे में आप जान पाओगे। तभी हम लोग 2 दिन 4 दिन या 5 दिन के क्लास, अभी ये मजबूरी है, ये सभी चीज को जानते हैं कि इस तरह से कोई भी एजुकेशन को नहीं हो पाता है आज कोई भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ये एक इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ ओनली इंट्रोडक्शन है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द हिजामा। तो हिजामा के अंदर कुछ चीजों में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। वो क्या है, इसका एक है, होता है सुन्ना दे, सुन्ना पॉइंट, सुन्ना पॉइंट, या ये सुन्ना पॉइंट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंट्रोड्यूस किया है, देयर आर 9 सुन्ना पॉइंट इन योर बॉडी इन एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम योर बॉडी यू कैन ड्रेन आउट दिस सुन्ना पॉइंट, एवरीथिंग इज गिवन ऑन योर शॉर्ट। तो ये जो चीज है इसके अंदर बहुत बड़ी चीज है कि ये सुन्ना पॉइंट के ऊपर आप ब्लड को निकालेंगे। अब आप एक्यूपंचर जानते हैं, जो नॉन एक्यूपंचर है उनको तो इनके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन अभी मैं आपको बता दे ड्यू 20 ड्यू गॉल ब्लैडर, नॉट गॉल ब्लैडर 20 है, जीबी जी गॉल ब्लैडर 20 ड्यू 40 एसटी 30 एंड लिवर 3। ये मैं आपको चूंकि एक्यूपंचर आप जानते हैं इसलिए आपको मैं इससे बताता हूं, इसका लोकेशन, इसका इंडिकेशन, इसका डिफिनेशन, हर एक एक पॉइंट का बहुत बड़ा है। इसकी रीजनल एनाटॉमी क्या है, इसका इनोग्रेशन पॉइंट क्या है, आप बॉडी के अंदर जैसे आप देखते ना लंग्स की मैरिटे हार्ट और पेरिकार्डियम, ये पढ़ते पढ़े आपने, लेकिन अगर से जो एक्यूपंचर नहीं वो मानेगा क्या इसको लंग्स की मैरिटियन है पेरिकार्डियम और हार्ट की नहीं मानेगा, लेकिन उसको क्या बोलेगा ये रेडियल नर्व है, ये मीडियल है, और ये अल्नर है, दुनिया मान जाएगी कि तो इनकार करेगा। तो ये जो चीजें हैं इसका इसके अंदर जो डिटेल है वो बुक्स के अंदर अलग से है, ये तो इंट्रोडक्शन में है। तो हिजामा के अंदर जो मेन जो चीज है वो जो याद रखने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आप लोग नोट कर लें कि कभी भी इसको इवनिंग टाइम पे हिजामा नहीं किया जाता, कभी भी इवनिंग टाइम पे हिजामा नहीं किया जाता है। ऐसी जगह पे जहां पे एटमॉस्फेयर बहुत ही चिल्ड हो हिजामा नहीं किया जाता है। सीजन कौन सा हो, समर हो या स्प्रिंग सीजन हो, इन सीजन में आप हिजामा कर सकते हैं। फुल स्टमक में कभी भी हिजामा नहीं किया जाएगा, और एम्प्टी स्टमक का मतलब ये नहीं कि सुबह उठे आपने फौरन करा लिया, एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 डेट्स या अंजीर या 2 चम्मच हनी और 1 कप वाटर ले ली, उसके बाद आप हिजामा कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप ब्लड को बॉडी से निकालेंगे तो आपके बॉडी से क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो हीट जब निकलेगी तो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। जैसे एक बच्चे के लॉस के अंदर है कि यंग के लॉस में मोक्षा करना चाहिए कि यंग के करना चाहिए, लोगों को नहीं मालूम, किसी भी डिजीज में मक्सा कर देते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो हर एक एक चीज के लॉज हैं, हर एक एक चीज के लॉज हैं कि किस लॉज में आपको करना है, किस लॉज में नहीं करना है। ड्यूरिंग पीरियड्स कभी भी आप लेडी का मतलब अगर आप लेडीज हैं प्रैक्टिशनर तो हिजामा आप भी नहीं करेंगे, यानी पेशेंट को तो छोड़ दीजिए आपको भी नहीं करना है। और पेशेंट अगर है इसमें एज क्या होनी चाहिए हिजामा के लिए, अगर वो माइनर है तो कभी भी ब्लड लैटरिंग नहीं करेंगे। इसके अंदर जो सुन्नत डे बताया है 17, 19 और 21 लूनर डे, चांद से जो होते हैं तारीख, चांद से तारीख होते हैं ना, लूनर डे मतलब उसमें जो चांद से जो मंथ निकलता उसके हिसाब से इसके अंदर बताया है कि आपको 17, 19 और 21 को आप ये सुन्ना डे इस पे हिजामा करा दिए। डे के अंदर आप किसी डे में कर सकते हैं, लेकिन वेडनेसडे को कभी भी हिजामा किसी का नहीं करेंगे। ये बातें बहुत, वेडनेसडे को कभी भी हिजामा नहीं करेंगे, नाइट के अंदर कभी हिजामा नहीं करेंगे, फुल पेट हिजामा नहीं करेंगे, ठीक है।
तो कुछ बातें हैं। अब आप लोगों को ड्राइव और फायर कैपिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए एक चेंजेस वो चेंजेस ऑफ स्क्रीन। जब हम बॉडी के ऊपर कफ को मूव करते हैं तो उसके अंदर स्किन के कलर चेंज हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि कैसे वो चेंज हो जाता है, वो क्या बताता है, अंदर बॉडी की कंडीशन को बताता है कि बॉडी के अंदर क्या है, हेल्थी है, स्टैग्नेशन है, सीवियर स्टैग्नेशन है, कंजेशन है, ये क्या है, बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें रुकती है अकॉर्डिंग टू योर कल्चर, क्या स्टैग्नेटेड होते हैं बताइए, ची ब्लड और बॉडी फ्लूइड, यही तीन चीज मूव करती है और यही तीन चीज अगर मूव नहीं करती है तो स्टैग्नेट हो जाएगी, am I right sir? तो यही तीन चीजें हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? एनी क्वेश्चन?